जो स्टूडेंट्स आईएएस अधिकारी बनना चाह रहे थे, जो अपने शहरों से अपने राज्यों से दिल्ली में पढ़ने के लिए आए थे, जो लाइब्रेरी में शिक्षा का अर्जन करना चाह रहे थे, वो लाइब्रेरी में ही जल समाधि ले लेते हैं। अब दिन चढ़ चुका है, अब सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है, लेकिन रात की स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल थी, बहुत ज़्यादा भयानक थी। जल भराव अभी भी आप देख सकते हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर की स्थिति कैसी नज़र आती है, और ये कोई पहली मरतबा नहीं है। यहाँ पर लगभग दर्जन भर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत बड़े, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ऐसी ही रहती है। और यही वजह है कि अब छात्र सड़कों पर उतर गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूरी रोड बंद की हुई है, और उनका कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक उनका विरोध प्रदर्शन लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। क्या डिमांड्स है बाप? तो यहाँ पर आप देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी संख्या में हैं, और उनका कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक की, उन लोगों की जिनकी जिम्मेवारी थी, जो लाइब्रेरी में शिक्षा का अर्जन करना चाह रहे थे, वो लाइब्रेरी में ही जल समाधि ले लेते हैं। अब दिन चढ़ चुका है, अब सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है, लेकिन रात की स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल थी, बहुत ज़्यादा भयानक थी। जल भराव अभी भी आप देख सकते हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर की स्थिति कैसी नज़र आती है, और ये कोई पहली मरतबा नहीं है। यहाँ पर लगभग दर्जन भर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत बड़े, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ऐसी ही रहती है। और यही वजह है कि अब छात्र सड़कों पर उतर गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूरी रोड बंद की हुई है, और उनका कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक उनका विरोध प्रदर्शन लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। क्या डिमांड्स है बाप? तो यहाँ पर आप देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी संख्या में हैं, और उनका कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक की, उन लोगों की जिनकी जिम्मेवारी थी, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। जल भराव अभी भी आप देख सकते हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर की स्थिति कैसी नज़र आती है, और ये कोई पहली मरतबा नहीं है। यहाँ पर लगभग दर्जन भर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत बड़े, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ऐसी ही रहती है। और यही वजह है कि अब छात्र सड़कों पर उतर गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूरी रोड बंद की हुई है, और उनका कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक उनका विरोध प्रदर्शन लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। क्या डिमांड्स है बाप? तो यहाँ पर आप देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी संख्या में हैं, और उनका कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक की, उन लोगों की जिनकी जिम्मेवारी थी, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली।